दोस्तों नमस्कार, आज 1 मई है और 1 मई को एज ए लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ी होंगी कि आज मजदूर दिवस है, लोग इस बारे में लेकर के पोस्ट कर रहे हैं, मजदूर दिवस की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसी बधाई देने का क्या फ़ायदा, मजदूरों की स्थिति आप देख लीजिए, भारत में क्या स्थिति है मजदूरों की। लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जो मजदूर अपना स्टेट और अपना परिवार छोड़ करके दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पे काम करने गए हैं और लॉकडाउन की वजह से वे फंस गए हैं, वहाँ पे वो फंसे हैं और यहाँ पे इनका परिवार फंसा है। ना इनके परिवार को कोई सुख सुविधा मिल पा रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, और ना ही जो इस स्टेट को छोड़ करके मजदूर उस स्टेट में गए हैं, दूसरे स्टेट में गए हैं, उनको वहाँ पर ना रोजी रोटी मिल पा रही है। रोजी छोड़िए, इस समय रोटी के भी लाले पड़े हैं, यानी कि वे वहाँ पे फंसे हैं और उनका परिवार यहाँ पे। ऐसी स्थिति में हम कैसे मजदूर दिवस की बधाई देते हैं, और इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। आज के दौर में कोई किसी के लिए लड़ने वाला भी नहीं है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में तो उनकी स्थिति और ही भयावह होती चली जा रही है। कई मजदूर तो ऐसे हैं जो पैदल दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, या एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक, गुजरात से लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश तक। अभी कल हमसे 2-4 लोग रास्ते में मिले, हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जब रात में हम खाना बांटने जा रहे थे लोगों को, तो हमने कुछ लोगों को पैदल आते हुए देखा। उनसे जब हमने वार्ता की तो पता चला कि वो बिहार से पैदल आ रहे हैं, उनको महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में जाना। तो ये स्थिति है मज़दूरों की, इस स्थिति में कैसे हम जो है मज़दूर दिवस की बधाई दे दें, और इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है कि इनको वहाँ से पहुँचाया जाए। विदेशों में जो फंसे हुए लोग थे उनको देश बुला लिया गया, लेकिन जो मजदूर फंसे हुए हैं अन्य प्रदेशों में उनको बुलाने वाला कोई नहीं है, और उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है, कोई नेता इसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये इतिहास रहा है, जितने लोगों ने भी आवाज़ उठाई है लेबरों के लिए, या फिर वंचित तबके के लिए जितने लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, उन के कार्य को एकदम दबा दिया जाता है, या फिर उनके कार्य का श्रेय किसी दूसरे नेता को दे करके उनके जगह पे उनको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। यही स्थिति बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटी। आपको मालूम है, आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबरों के लिए कितना काम किया है। आप में से मैं ज़्यादातर भारतवासी ये नहीं जानते हैं आज भी नहीं जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखी थी उन्होंने। इस पार्टी की स्थापना 15 अगस्त 1936 को बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, और 7 नवंबर 1938 को बाबा साहब अम्बेडकर लगभग 1 लाख से अधिक मजदूरों को लेकर के एक हड़ताल भी बुलाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। और ये हड़ताल को बचाने के लिए, हड़ताल का जो अधिकार होता है उसको बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुलाया था। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए 7 नवंबर को ये हड़ताल था, 6 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर खुद एक खुली हुई कार में बैठ करके मजदूर क्षेत्र में जाते थे, लोगों से आह्वान करते थे कि आप लोग इस हड़ताल में ज़रूर शामिल होइए, अपने अधिकार को बचाइए। हड़ताल के द्वारा एक अपने हड़ताल का एक जो अधिकार है मजदूरों का, उसको बचाने के। दरअसल सितंबर 1938 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बम्बई विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया गया था कि हड़ताल को आपराधिक श्रेणी में रखा जाए। इसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये मजदूरों का अधिकार है हड़ताल करना, उनका मौलिक अधिकार है, और इसको वे किसी सूरत में ख़त्म नहीं होने देंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या देश के नागरिकों का स्वतंत्रता एक अधिकार है, उसी तरह से मजदूरों का भी एक मौलिक अधिकार हड़ताल करना है। किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति से भी आप उसके इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करवा सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका मुखालफत करते हुए उस विधेयक का बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस वक्त पूर्ण बहुमत में थी, पूर्ण बहुमत का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को पारित करवा लिया। उसके बाद इस विधेयक को काला विधेयक करके बाबा साहब अम्बेडकर ने संबोधित किया। इसी के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा जो है हड़ताल बुलाया था, लोगों प्रचार कर करके अपने अधिकार को, हड़ताल के अधिकार को बचाने के लिए मजदूरों को सड़क पर उतारा था हड़ताल के लिए। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे तमाम सारे काम हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ करके मजदूरों के लिए करवाया। एक बहुत बड़ा अधिकार ये है कि पहले 14-14 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ करके
चौदह चौदह घंटे को कम करके 8 घंटे तक किया। ऐसे तमाम सारे काम हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मज़दूरों के लिए किया। बाबा साहब अम्बेडकर को आज याद करने की ज़रूरत है, उनसे सबक लेने की ज़रूरत है, मज़दूरों के अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है।